प्रेजेंट टीचर। हेलो चैंपियंस, आज हम लोग चैप्टर 3 बिफोर आफ्टर एंड बिटवीन स्टडी करेंगे। इससे प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को बिफोर के बारे में बताया था, आज हम लोग उसी में से आफ्टर स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आज का टॉपिक क्या है उसको हम लोग एक बार रीड करते हैं। व्हाट कम्स जस्ट आफ्टर, व्हाट मीन्स किसी चीज को पूछना, दैट मीन्स व्हाट कम्स मीन्स आना, दैट मीन्स अगर कोई भी चीज आता है तो उसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, आना। जस्ट आफ्टर, जस्ट आफ्टर का मतलब ही होता है तुरंत बाद। जस्ट मीन्स तुरंत और आफ्टर मीन्स बाद। तो स्टूडेंट्स, इसका सही हिंदी क्या हुआ, तुरंत बाद क्या आएगा इस नंबर के, हम लोगों को वो नंबर राइट करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक एक्टिविटी से स्टडी करेंगे, देखते हैं कि इसमें करना क्या है। जस्ट आफ्टर का मतलब समझ में आ गया कि तुरंत बाद। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे हाउ मेनी मार्कर्स, कितने मार्कर्स है यहाँ, तो 3 मार्कर्स है। अब इस 3 मार्कर्स से मुझे क्या राइट करना है, जस्ट आफ्टर मींस तुरंत बाद। तो यहाँ पे तो 3 मार्कर्स है और 3 मार्कर्स के जस्ट बाद क्या हो सकता है, 3, और 3 के जस्ट बाद क्या राइट करना, कितने ले सकते हैं मार्कर, तो 4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, ले सकते हैं ना। तो इस 3 मार्कर्स के जस्ट बाद तो हम लोग 4-5 ले रहे हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दिया हुआ है कि जस्ट आफ्टर, जस्ट आफ्टर का मतलब होता है तुरंत बाद। मींस ये 3 के जस्ट आफ्टर, जस्ट आफ्टर मींस इसके जस्ट आफ्टर आगे क्या होगा, तुरंत आगे क्या राइट करेंगे। तो इस 3 मार्कर के जस्ट आगे क्या होता है, क्या होगा, तो 4 होगा। हम लोग कितना ले सकते हैं, 4 मार्कर्स ले सकते हैं। ऐसे ही हम लोग 5 नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि मुझे जस्ट आफ्टर मींस तुरंत बाद का नंबर चाहिए, इसलिए हम लोग 5 नहीं ले सकते। सिर्फ और सिर्फ कितने ले सकते हैं, तो 3 से जस्ट आफ्टर क्या हो सकता है, 4 हो सकता है। अंडरस्टूड स्टूडेंट, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि आप लोग बता गए कितना नंबर होगा। ये क्या है, ये है बुक्स, क्या है बुक्स, हाउ मेनी बुक्स हियर, 1 2 3 4, देयर आर 4 बुक्स हियर, मींस यहां पे कितने बुक्स है, तो 4 बुक्स है। अब इस 4 बुक्स को क्या करना है, इसका जस्ट बिफोर बताना है, सॉरी जस्ट आफ्टर बताना है कि क्या हम लोग राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पे है 4 बुक्स और 4 बुक्स के जस्ट आफ्टर हम लोग कितने बुक्स ले सकते हैं, तो स्टूडेंट्स हम लोग 5 बुक्स ले सकते हैं, हम लोग 6 नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जस्ट आफ्टर और जस्ट आफ्टर का मतलब ही होता है इसके जस्ट मीन्स तुरंत बाद का नंबर, दैट मीन्स 4 और 4 का तुरंत बाद क्या होगा, 5 होगा। और 5 इसका राइट आंसर है, हम लोग कितने बुक्स ले सकते हैं, तो 4 के जस्ट आफ्टर हम लोग यहाँ पे 5 बुक ले सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि अब आप लोग बताओगे कि इसमें करना क्या है। दिया हुआ है 9 और 9 के जस्ट आफ्टर कौन सा नंबर होगा, तो 9 और 9 के 9 में 1 ऐड कर देंगे, मींस 1 उसमें जोड़ देंगे, तो 9 और 9 के जस्ट बाद क्या आता है, 10। 9 के जस्ट बाद क्या होता है, 10, तो हम लोगों का राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, 10। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्या है, 34 और 34 के जस्ट आफ्टर क्या राइट कर सकते हैं, तो 3 का 3 राइट कर सकते हैं। अब 4 मैंने अभी बताया था कि आफ्टर राइट करने के लिए नंबर किसी भी नंबर
नाइन का जस्ट आफ्टर कौन सा नंबर होगा? टेन। 34 का जस्ट आफ्टर कौन सा नंबर होगा? 35। 28 का जस्ट आफ्टर कौन सा नंबर होगा? 29। यहाँ पे 76 का जस्ट आफ्टर क्या होगा? 77। नेक्स्ट कौन सा नंबर दिया हुआ है? 57। 57 का जस्ट आफ्टर क्या हो सकता है? यहाँ पे मैंने अभी बताया है 5 का 5 ट्राई करेंगे और 7, 7 के से 1 एक्स्ट्रा लेंगे, दैट मींस 7 से 1 बढ़ाएंगे तो क्या होगा? 1 बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा? 8, 5, 8, दैट मींस कैरी करते हैं उसको 58। तो हम लोगों का राइट आंसर क्या होगा? 58। 5 का 5 सेम हुआ और 7 से 1 बढ़ा दिए तो क्या बढ़ा?